ऋषभ पंत का एक्सरे सामने आ गया है। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ आज सुबह दिल्ली से रुड़की आते वक्त और उनका हेल्थ एक्सरे, उनकी हेल्थ पर बड़ा अपडेट, उनका एक्सरे सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से ऋषभ पंत को माथे पर चोट आई है, बाएं आंख के ऊपर चोट आई है, लेकिन इस एक्सरे में देखिए घुटने में उनके चोट आई है और लिगामेंट फ्रैक्चर होने की संभावना है। पहले एक्सरे के मुताबिक कोई हड्डी नहीं टूटी है, कार की आग से शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह एक्सरे रिपोर्ट आ चुकी है ऋषभ पंत की जो सामने आ रही है। ऋषभ पंत की यह पहली एक्सरे रिपोर्ट जो इस वक्त सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं लिगामेंट फ्रैक्चर हो सकता है। हम इस बारे में एक्सपर्ट से और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपर्ट जुड़े तो हम उनसे पूछें कि उनको क्या लग रहा है, लेकिन ऋषभ पंत की जान बाल बाल बची है। ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे, वो अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे और फिर उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, सीसीटीवी में कैद ये हादसा देखिए और टक्कर के बाद कार में कैसे आग लग गई है दोनों देखिए। ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि ऋषभ पंत का कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है और ये बहुत शुक्र है कि बच गए उनकी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, हालांकि उनको चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन ये तस्वीर देखिए और ये आप समझिए कितनी तेज स्पीड में ये कार आ रही थी। मेरे साथ अभी वो शख्स भी होंगे जिन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाई, वो शख्स जो ऋषभ के रखवाले हैं, थोड़ी देर में हमें वो ज्वाइन करने वाले हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। ये तस्वीर देखिए कितनी बुरी तरह धू धू कर जल रही है ऋषभ पंत की कार। इसी कार में ऋषभ पंत बैठे हुए थे और इसी कार से ऋषभ पंत आ रहे थे दिल्ली से रुड़की जब ये हादसा हुआ। ये बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट है, इसको छोटा मोटा एक्सीडेंट आप नहीं कह सकते। आपको हादसे की चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाते हैं, सीसीटीवी की तस्वीर सामने आ चुकी है, मात्र कुछ सेकंड में यह हादसा हो जाता है। देखिए सीसीटीवी फुटेज में मात्र 5 सेकंड में कैसे यह हादसा हो जाता है आप देखिए, बल्कि 4 सेकंड में यह कार दिख रही है और आती है, डिवाइडर से टकराती है और कैसे डिवाइडर को तोड़ते हुए आगे निकल जाती है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यह ऋषभ पंत की कार है जो डिवाइडर से टकराई है। और एक और तस्वीर दिखाते हैं ऋषभ के कार में कैसे आग लग गई हादसे के बाद, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की हम आपको दिखाते हैं, अब आपको हादसे के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। आसपास के लोगों ने ऋषभ को जलती कार से बाहर निकाला है, उनके कपड़ों में भी आग लग गई थी, उन कपड़ों को भी खोला गया है, लोगों ने ऋषभ पंत की मदद कैसे की आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऋषभ पंत की लोगों ने मदद की और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो एक शख्स आपको सड़क पर लेटा हुआ दिख रहा है, थोड़ा घायल अवस्था में दिख रहा है, ये ऋषभ पंत है जिनको लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उनको यहाँ से अस्पताल लेकर जाया गया। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं ऋषभ पंत की जान बचाने वाले शख्स की लाइव गवाही, वो क्या कह रहे हैं। परमिंदर, जिन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाई, ऋषभ पंत के लिए परमिंदर देवदूत बनकर आए, आपको सुनाते हैं उन्होंने ऋषभ पंत की जान कैसे बचाई, उस शख्स को सुनिए आप। कोशिश कर रहे हैं उनको हम जोड़े और उनसे भी लाइव बात करें, लेकिन उनसे हमारे संवाददाता ने जो बात की है वो देखिए। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं जहां पर ऋषभ पंत की कार जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रत्यक्षदर्शी, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? परविंदर कुमार। परविंदर कुमार जी, ये घटना किस समय की है और क्या था पूरा माजरा जिस समय आपने देखा, क्या मंजर था? 5 बजे सुबह की ये घटना है, बिल्कुल जहाँ पर घटना घटी उसके 50 मीटर पर ही मेरी मार्केट है, वहीं मेरा मकान है। तो जैसे मैं बाहर था निकला हुआ तो सामने से गाड़ी घूमती नजर आई, आवाज़ आ रही थी और हम जब तक गाड़ी के पास पहुँचे तो गाड़ी में आग लग गई थी, पूरी जल चुकी थी। 2-3 एक गाड़ियाँ भी रुकी, रोडवेज थी शायद हरियाणा की, 2 लड़के इधर सकरपुर साइड के मोटरसाइकिल वाले थे, तो हम लोगों ने गाड़ी से उनको निकाल कर दूसरी साइड ले जाकर बैठा दिया। एक बैग उनका कपड़ों से भरा होगा, क्या था वो बैग ही निकाल पाए गाड़ी से, और तब तो फिर गाड़ी के पास जाने नहीं दिया, इतनी बहुत काफ़ी आग लगी हुई थी गाड़ी में, फिर जलने शुरू होगी। स्पीड कितनी थी लगभग? स्पीड 100 से ज़्यादा स्पीड होगी गाड़ी की। तो कितनी दूर से कितनी दूर तक गाड़ी जो है एक्सीडेंट के बाद? 150 मीटर तक, हम 100 मीटर तक तो गाड़ी आउटर साइड पे चली है। तो तमाम जो गाड़ी है उसके परखचे उड़ गए? जल गई, वो तो राख होगी, साथ के साथ वहीं जल गई, जल के ख़त्म होगी गाड़ी। तो ऋषभ पंत को कैसे बाहर निकाला गया वहाँ से? ऋषभ पंत को जैसे वो सब लोग इकट्ठे आए तुरंत उनको निकाल लिया, आग तो गाड़ी में लगी चुकी थी, लेकिन अगर वो लोग इतने सारे ना आए तो अकेला आदमी भी कुछ नहीं कर पाना था। तो पुलिस की क्या कार्यशैली रही, आपने पुलिस को सूचना दी उस समय? हाँ, वो पुलिस तुरंत आ गई, जैसे मैं वहाँ पहुँचा फोन नहीं लग पाया,
फिर हम पुलिस चौकी गए, पुलिस चौकी जाके हमने सूचना दी, फोन पे भी संपर्क बनाया, उन्होंने बताया कि बॉर्डर साइड कुछ गांव में थे उधर। और देखिए परमिंदर से आप हमारे रिपोर्टर की बातचीत सुन रहे थे हमारे संवाददाता सलमान की। परमिंदर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता किशोर रावत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। परमिंदर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परमिंदर आप थोड़ी अंधेरा है जहां पे आप इस वक्त मौजूद है। देखिए परमिंदर आ चुके हैं हमारे साथ। परमिंदर आप उसी जगह पर मौजूद है मुझे बताया जा रहा है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था और जहां पर आपने ऋषभ की जान बचाई थी। जरा बताइए आप पूरी वो पूरे दास्तां बताइए, कैसे आपने ऋषभ पंत को बचाया? सुबह 5 बजे की घटना है, 5 बजे मेरा घर वहां से 100 मीटर पे है, तो आवाज आई, आवाज आने के बाद हम लोग घर से बाहर निकले, उठी जाते हैं वॉकिंग के लिए निकलना था, तभी फिर आग दिखाई, टू विंडो में आग नजर आई गाड़ी में। जब गाड़ी के पास पहुंचे तो कई लोग और आ चुके थे बाइक लेके, गाड़ी रोडवेज रुकी हरियाणा की, सभी लोगों ने मिलकर कांच तोड़ के उनको बाहर निकाला और सेफ जगह उनको बैठा दिया गया। फिर हम पुलिस चौकी गए, वहाँ पे सूचना दी और एम्बुलेंस सिविल हॉस्पिटल में गए, एम्बुलेंस लाके उनको एम्बुलेंस में बैठा के और फिर हमने रुड़की के लिए उनको भेज दिया। लेकिन परमिंदर ये बताइए आप जिन्हें जब ऋषभ पंत की जान बचाई उस वक्त ऋषभ किस हालत में दिख रहे थे आपको, कैसी हालत थी उस वक्त? नहीं ब्लीडिंग था हल्का सा, माथे पे एक पैर में घुटने में ब्लीडिंग हो रहा था, कमर पे भी छिली हुई थी, लेकिन बात कर रहे थे, कोई घबराने वाली बात नहीं थी। सही तरह से उन्होंने बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ क्रिकेटर, और वो बैठे हुए थे, ऐसा भी नहीं कि जब साइड पे हम उनको ले गए कि वो लेटे हुए हों, बैठे हुए थे। ठीक है परमिंदर आप मेरे साथ रहिए क्योंकि ऋषभ पंत का एक्सरे भी आ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि एक्सरे देखकर उनको क्या लग रहा है। डॉक्टर साहब अगर आप ऋषभ पंत का एक्सरे देख पा रहे हो, ये जो एक्सरे सामने आया है इससे क्या पता लग रहा है आपको, किस तरह की चोट है ऋषभ पंत को? देखिए जो एक्सरे आपने मेरे पास भेजा हुआ है जी, इस एक्सरे को देख करके कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ इस एक्सरे के बेसिस पे कुछ भी बता पाना मेरे लिए डिफिकल्ट है। इसको ध्यान से देखने पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनके नी जॉइंट के अंदर एसीएल लिगामेंट में इंजरी हुई हो। अच्छा। लेकिन मैं कंफर्म एक्सरे के बेसिस पे नहीं कर सकता। नहीं लिगामेंट फ्रैक्चर हो सकता है ये बताया जा रहा है, आपकी एक्सपर्टीज हाँ, क्या कहती है? मतलब ये इसके एक्सरे के बेसिस पे कहना, चूंकि टीवी पे देख रहा हूँ और फोटो आ रही है, डिफिकल्ट है, इसके लिए एमआरआई होना चाहिए नी का, नी के एमआरआई में क्लियर होगा कि इसमें लिगामेंट फ्रैक्चर है या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब आप मेरे साथ रहिए क्योंकि वो हमारे साथ आई विटनेस है जिन्होंने जान बचाई है ऋषभ की, वो हमारे साथ हैं, उनकी बातों से सुनकर अगर आप कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सके तो बताइएगा। परमिंदर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, जरा इनको बताइए आपने ऋषभ पंत को किस हालत में बचाया था, जब आप पहुंचे थे तो ऋषभ पंत किस हालत में, और थोड़ा तेज बोलिए परमिंदर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, और पीछे जरा बड़े बड़े दिखाइए। गाड़ी में आग लगी हुई थी पूरी तरह, पहले क्या हुआ कैसे हुआ नहीं जानकारी, लेकिन लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे गाड़ी रुकी आके वहाँ पे काफी आग लगी हुई थी गाड़ी में, फिर कोई बाइक वाले बंदे आ गए, एक हरियाणा रोडवेज की गाड़ी आई, उन सबने मिलके उनको कांच तोड़ के गाड़ी से बाहर निकाल दिया और उनको सेफ जगह बैठा दिया गया दूसरी साइड पे। अच्छा। जबकि उनको देखने पे लगा था ब्लीडिंग तो था, सर में भी था, पैर में भी था, कमर भी छिली हुई थी एक साइड से, बट वो घबराने रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जान तो बच गई। अच्छा ऋषभ ने कुछ कहा आपसे जब आपने ऋषभ की जान बचाई, क्योंकि लग रहा है कि वो इस हालत में थे कि बोल सके? उन्होंने बताया, मैंने खुद पूछा आप कहाँ से, तब उन्होंने बताया कि मैं ऋषभ क्रिकेटर हूँ। हाँ। लेकिन उस समय हालत ऐसी थी मैं पूरा दिमाग पे जोर नहीं दे पाया कि बस ऐसे नॉर्मल कि हाँ होंगे। अच्छा पुलिस को जाना, फिर एम्बुलेंस लेके आपने क्या किया? तो जी फिर आपने क्या किया? बस एम्बुलेंस में मुश्किल से मेरी उनसे 1.5 मिनट ही मुलाकात हुई, भाग दौड़ में रहा हूँ, फिर एम्बुलेंस में बैठा के उनको भेज दिया गया, फिर किसी सज्जन ने उनके पैसे भी दिए हैं जब वो एम्बुलेंस में बैठ चुके थे, अब वो कितने थे मैं नहीं कह सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक उनका बैग कपड़ों से भरा हुआ था, क्या था उसमें, वो बैग भी एम्बुलेंस में ही उनके पास रख दिया गया। अच्छा गाड़ी की हालत देखकर क्या लग रहा था आपको परमिंदर जी, कितना बुरा एक्सीडेंट था? जब क्या वो पूरी जल चुकी है, पूरी आग लगी हुई थी, बहुत उस साइड का जो वन वे रोड है वो तो बंद ही हो गया था। अच्छा हाँ, और ये पूरी जोर करीब 5:30 बजे हुआ, ये 5 बजे के बाद का हादसा है। अच्छा आप रहिए परमिंदर मेरे साथ, डॉक्टर साहब हमारे साथ, डॉक्टर साहब कुछ समझ में आ रहा है और क्या चोटें हो सकती हैं ऋषभ पंत को, क्या हालत हो सकती है उनकी? जिस तरीके से आपने वीडियो दिखा उसमें वो अगर वो उन्हीं का वीडियो है जिसमें वो बोल रहे हैं बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस इशू है, बट ये है कि हाँ उनके नी में अगर दर्द है स्वेलिंग है तो MRI होना चाहिए। इस तरीके से
मेरे लिए बताना डिफिकल्ट है कि उनको क्या प्रॉब्लम होगी। अगर वो कॉन्शियस हैं, ओरिएंटेड हैं, उनको वोमिटिंग नहीं हुई है, उनको हेड इंजरी नहीं हुई है, उनके ईयर नोज थ्रोट से ब्लीडिंग नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि ही इज सेफ, बट ही नीड ऑब्जर्वेशन इफ एनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज देयर। बट अगर घुटने में दर्द है, चल नहीं पा रहे, लंगड़ा रहे, तो उनके नी का एमआरआई होना चाहिए, तभी प्रॉपरली बताया जा सकता है कि क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमिंदर, एक आखिरी सवाल आपसे, अभी हमारे दर्शकों को आप जरा बताइए, जब आप मौके पर पहुंचे थे, ऋषभ पंत से आपकी बात हुई थी, तो उन्होंने आपको कहा था कि मैं क्रिकेटर, उन्होंने कुछ बताया था कहां से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ ज्यादा बात नहीं हो पाई, सिर्फ इतना ही बताया दिल्ली से। हाँ, घर जा रहे हैं दिल्ली से। आप उस वक्त कैसे पहुंचे इस कार तक? मेरे 50 मीटर है, मैं तो पैदल चला गया दौड़ता हुआ। आपको दिखा वो एक्सीडेंट होते हुए? लास्ट पॉइंट मैंने देखा है, क्योंकि जब पीछे धुंध थी, आवाज आ रही थी, तो लगा कि एक्सीडेंट है। जब तक मैं मेन रोड पे निकला घर के अंदर से, तो तब तक लास्ट पॉइंट पे गाड़ी पड़ी हुई थी, आग लगी हुई थी। अच्छा, और फिर मैं गाड़ी के पास पहुंचा। अभी किसी ने, घर वाले ने, ऋषभ के घर वाले ने आपसे कोई संपर्क किया उसके बाद? नहीं सर, अभी तो कोई संपर्क नहीं बना। अच्छा, पुलिस ने कुछ बात की आपसे? हाँ, पुलिस में तो काफी उनसे बात हुई है, दो तीन बार भी, फिर लास्ट में जब गाड़ी पूछवाई, जब भी मैं वहीं पे था, तब भी बात हुई थी। अच्छा, अभी आप जहाँ पर है वहीं पर एक्सीडेंट हुआ था क्या? बिल्कुल इससे 50 मीटर सामने। दिखाइए जरा वो जगह, दिखाइए अगर फोन से दिखा सके आप तो। यही वो जगह है? ये सामने जो भीड़ है ना, यहाँ पे। कहाँ पर? जो सामने भीड़ हो रही ना, वहाँ पे देखो जी, इसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ था आज, इसी जगह पर, टावर के सामने ही, बिल्कुल ये खड़े हैं। बिल्कुल टावर के सामने जहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था आज, यहाँ रोडवेज गई है फिलहाल जहाँ पर। अच्छा, और आप जहाँ पर खड़े हैं, ये आपकी दुकान है जहाँ पे आप खड़े हैं, आपका घर है? जी जी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया परमिंदर आपका, बहुत शुक्रिया परमिंदर, बहुत आपने नेक काम किया है, और जरूर आपको आपकी तारीफ होनी चाहिए इसके लिए। आपने एक जान बचाई है, एक देश की एक बड़ी हस्ती की, एक ऋषभ पंत की, एक क्रिकेटर की, एक शख्स की आपने जान बचाई है, और किसी की जान बचाना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। बहुत शुक्रिया आपका परमिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गाँव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।